दोस्तों मेरे पास रेगुलर कमेंट्स आते हैं, मेल आते हैं कि सर मुझे कोई ऐसा चैनल बताओ जो रातों रात ग्रो हो जाए, आज मैं चैनल बनाऊं, इसी महीने ग्रो हो जाए और मुझे यूट्यूब से थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा पैसे आने लगे, और चेहरा ना दिखाना पड़े, क्योंकि अगर मैं चेहरे दिखाऊंगा तो मैं सही से बोल नहीं पाऊंगा, कॉन्टेंट नहीं बना पाऊंगा। तो जिसमें चेहरा भी ना दिखाना पड़े, सिर्फ कॉपी पेस्ट टाइप का कोई ऐसा चैनल हो जिसको मैं 5 मिनट में बनाकर 10 मिनट में बनाकर अपना कॉन्टेंट तैयार कर लूं और जिस महीने बनाऊं उसी महीने मेरा चैनल ग्रो हो जाए और YouTube से बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, ऐसा अगर कोई चैनल आइडिया हो तो सर मुझे जल्दी से बताइए। तो उन सब का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैनल आइडिया लेकर आया हूं जहां आपको न चेहरा दिखाने की जरूरत है, सिर्फ आपको जो भी कंटेंट बनाना है अपने मोबाइल फोन से बनाओगे, कोई लैपटॉप पीसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल फोन का यूज करके 10 से 15 मिनट के अंदर वो कॉन्टेंट तैयार हो जाएगा और उस कॉन्टेंट में आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ेगा। उस वीडियो को जैसे ही डालोगे देखने वालों की भीड़ लगी पड़ी हुई है, इतने ज्यादा लोग देखते हैं कि वीडियो डालते ही लाखों में व्यूज आएंगे और उस टाइप का वीडियो इतना ज्यादा लोग देखते हैं कि मिलियंस में बिलियंस में व्यूज आते हैं, जो कि मैं लाइव दिखाऊंगा। इंडिया में तो ऐसे चैनल्स बहुत कम है, लेकिन विदेशों में ऐसे चैनल बनाकर लोग लाखों नहीं करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आपको ये जुमलेबाजी लग रहा है, कोई मैं जुमलेबाजी कर नहीं रहा हूं लेकिन लग रहा है अगर आपको, तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन टाइप का वो कंटेंट है जिस पर मिलियंस में बिलियंस में व्यूज आते हैं, लोग पैसे छाप रहे हैं, आप भी छाप सकते हैं, और मोबाइल से कैसे वो वीडियो बनाओगे, क्या प्रोसेस है, A to Z बताकर जाऊंगा। चैनल कैटेगरी क्या रखना है सब A to Z बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, यूट्यूब के अंदर हूं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं वो कॉन्टेंट समझाने, फिर मैं आपको चैनल दिखाऊंगा जिस चैनल को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कंटेंट बनाना है, क्योंकि वो चैनल बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे आप एक छोटा बच्चा आपके घर पर है, छोटे बच्चे क्या देखते हैं, कार्टून वीडियो देखते हैं, वो क्या सर्च मारेंगे, यहां पर डालेंगे वो क्या डालेंगे, कार्टून वीडियो, ये वो डालेंगे कार्टून वीडियो, जैसे कार्टून वीडियो डाल दिए, या फिर यहां पर कार्टून स्टोरी वीडियो डालेंगे क्योंकि स्टोरी टाइप का उनको देखना है, कार्टून स्टोरी वीडियो जैसे वो डालेंगे आप देख सकते हैं यहां पर व्यूज आया है। एक वीडियो यहां पर 3 हफ्ते पहले डाला गया है 1.1 मिलियन व्यूज, 5 महीने पहले 5.4 मिलियन व्यूज, इस तरीके से यहां पर मिलियंस में व्यूज आ रहा है, 8.7 मिलियन व्यूज। और अगर मैं व्यूज आपको हाईएस्ट दिखाऊं कितना ज्यादा व्यूज आता है, तो यहां मैं शॉर्ट्स बाय जैसे यहां पर करूंगा, शॉर्ट बाय यहां पर व्यूज काउंट करके अप्लाई करूंगा, देखना अपने आंखों के सामने, देखो यहां पर 661 मिलियन व्यूज आया है, ये तो टॉम जेरी टाइप का है वीडियो, अगर जो अपने से बनाया गया है जैसे ये देखिए, यहां पर देखिए 153 मिलियन व्यूज आया हुआ है, यहां पर ये देखिए 97 मिलियन, लॉन्ग के अंदर शॉर्ट्स के अंदर भी भर भर के व्यूज आ रहे हैं, यहां पर देखो चिड़िया की कहानी है 75 मिलियन व्यूज आया है, इतने इतने व्यूज आ रहे हैं जितने बॉलीवुड के सॉन्ग में आते हैं, और इतने व्यूज पर कितना पैसा बनेगा, एक क्रिएटर से पूछो लाखों करोड़ों की बात बोलेगा, एक वीडियो से बन जाएगा, इसको कोई जुमलेबाजी मत समझना, एक वीडियो से इतना इतना पैसा बनेगा, 75 मिलियन व्यूज यानी 7.5 करोड़ व्यूज, और ये एक लॉन्ग का चैनल है, लॉन्ग वीडियो के अंदर इतना इतना व्यूज आ रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चे भर भर के पैसे यहां पर उसका कंटेंट देखते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहां पर है घमंडी हाथी और चींटी 70 मिलियन व्यूज, यहां पर देखिए किसी क्या बोलते हैं इसका जो भालू होते हैं उनका है 67 मिलियन व्यूज, यहां पर आप देखो जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहां पर कुछ गाय वगैरह का है स्टोरी 62 मिलियन व्यूज, इतने इतने व्यूज आ रहे हैं। और मैं आपको यहां एक चैनल दिखाने वाला हूं जो एक परफेक्ट स्टोरी टाइप का वीडियो बनाते हैं कार्टून के लिए, मैं आपको चैनल दिखा देता हूं, उस चैनल का नाम है यहां पर उस चैनल का नाम है जंगल टून, देखिए उस चैनल का नाम है जंगल टून। अब ये क्यों मैं दिखा रहा हूं ये चैनल वो समझिएगा, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है 32 मिलियन वाला इसको छोड़ दीजिए, नीचे आएंगे आपको मैं दिखाता हूं वो चैनल, ये आपको जो दिख रहा है जंगल टून करके वो चैनल है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर टाइप्स में चला जाता हूं, फिल्टर में करता हूं और यहां मैं टाइप्स में करके चैनल पर जैसे करता हूं, देखिए आपके सामने मैं चैनल दिखाता हूं, देखिए यहां पर आपको चैनल जो दिख रहा है ये वाला जिस पर एक चिड़िया छपी हुई है, 2.56K यानी 2500 सब्सक्राइबर है, 69 वीडियो डाला गया है, ये चैनल आप देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको मेंशन कर दूंगा, इस चैनल पर जाइए, जंगल टून नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस टाइप का वीडियो बनाना है तो। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से इनका जो वीडियो आएगा वो देखोगे और जब देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिर वीडियो बनाना कैसे है, कैसे बनाओगे वो मैं मोबाइल फोन से ही सिखा कर जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो कैसे बनाना है, अब जैसे देखिए 2-2, 3-3 मिनट का, 2.5-2.5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, अब ये स्टोरी कैसे बनाते हैं, जब आप इनका वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी बनाई कैसे जाती है।
और इसलिए इनके चैनल को जब सब्सक्राइब करके इनके वीडियो को देखोगे तो उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक जरूर कर लेना। इस चैनल का कॉन्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। अब देखिए स्टोरी कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए जैसे ये है चुड़ैल का आतंक करके, देखिए इनका चैनल भी मोनेटाइज है, आप देख सकते हैं यहां पर इनका चैनल भी मोनेटाइज है। सुपर थैंक्स का बटन यहां पर अनेबल है, यानी चैनल यहां मोनेटाइज है। मैं स्किप करता हूं, देखिए। चलो मुझे स्कूल छोड़कर आ जल्दी से। देखिए ये आप जो देख रहे हैं इसमें एक चिड़िया की कहानी है जिसमें एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बोल रही है। यहां पर कोई चेहरा है नहीं है, सिर्फ कार्टून का यहां पर कैरेक्टर है और उसमें सिर्फ वॉइस डालकर वो आवाज डाली जा रही है। वॉइस आप आराम से डाल लोगे लेकिन ये कार्टून का जो कैरेक्टर मैंने आपको दिखाया, जो आपको कार्टून कैरेक्टर ये सारा दिख रहा है, ये कार्टून कैरेक्टर आपको बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पीसी लैपटॉप ये सब चाहिए, मोबाइल फोन से ही बना लोगे। कैसे बनाना है वो मैं बताकर चल रहा हूं बताने, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बस आज से इस चैनल पर काम करना स्टार्ट कर दो, ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा। विश्वास मानिए कितना व्यूज आता है सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट इतना बच्चे देखते हैं, इतना व्यूज आएगा कि भैया पैसे का तो कितना आएगा सोच भी नहीं सकते, गिन भी नहीं पाओगे। इसीलिए विदेश में मैक्सिमम ऐसे चैनल खुले हैं, इंडिया में लोग नहीं बनाते हैं। आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन का यूज करके। तो अगर आप इस टाइप का चैनल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो जंगल टून नाम से आपको चैनल दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि यहां पर स्टोरी कैसे बनाएंगे वो सोचने में आपको मदद मिलेगी। जब आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको स्टोरी बनाना है, तो इससे आपको आइडिया यहां देखकर लग जाएगा। जब आपको स्टोरी का आइडिया लग जाएगा तो आगे बस आपको वीडियो क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है वो चलिए मैं आपको मोबाइल फोन में दिखा देता हूं। अब इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं एप्लीकेशन प्रमोट कर रहा हूं, जो काम का एप्लीकेशन है वो बता रहा हूं जिससे आप वीडियो क्रिएट कर सके। तो आपको यहां गूगल प्ले स्टोर पर चला जाना है, यहां पर आपको सीटी रेक्टी करके सर्च करना है, सीटी रेक्टी जो आपको ऊपर दिख रहा है ये सर्च करना है। तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा क्रोमा टून्स मेक एनिमेशन करके, ये देखिए क्रोमा टून्स मेक एनिमेशन करके दिखेगा, इसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसी से आपका वीडियो कंटेंट बनेगा। कैसे बनेगा वो चलिए मैं आपको बताता हूं। और उसके साथ आपको एक काइंड मास्टर एप्लीकेशन चाहिए, काइंड मास्टर है तो वो, या फिर कोई और अगर आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उससे भी आप कर लोगे। तो काइंड मास्टर और ये क्रोमा टूल्स जो आपको दिख रहा है इसी दो चीज का आपको यूज करके वो वीडियो बनाना है जो मैंने आपको दिखाया। कैसे बनाओगे वो चलिए मैं आपको यहां पर पहले क्रोमा टूल्स ओपन करता हूं और इसमें जो आगे का प्रोसेस है कैसे वीडियो क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर मैंने क्रोमा टूल्स को ओपन कर लिया है, कैसे आपको यहां पर वीडियो बनाना है वो समझिएगा। देखिए यहां पर लेट्स स्टार्ट करके लिखा गया है, इस पर आपको सिंपली क्लिक लेना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ओके कर लेना है। अब देखिए यहां पर चार कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। अब आपको चार कैरेक्टर इसी से स्टोरी नहीं बनाना है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिससे भी स्टोरी बनाना है बना सकते हो। जैसे अब चार कैरेक्टर यहां पर दिख रहे हैं, मैं ये सारे कैरेक्टर पहले हटा देता हूं। जैसे ये कैरेक्टर वन, इसको मैं नन कर दूंगा, हट गया। कैरेक्टर टू नन कर दूंगा, हट गया। कैरेक्टर थ्री नन कर दूंगा, हट गया। कैरेक्टर फोर नन कर दूंगा, हट गया। देखिए चारों हट गए हैं। अब मान के चलिए मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें एक सेठ हो और उसका कोई एक छोटा सा बच्चा जो ग्राहक हो उनके बीच में कोई स्टोरी हो। तो मान चलिए मैं कैरेक्टर वन में एक छोटा बच्चा ले लेता हूं, जैसे लिटिल बॉय मैं करके ले लेता हूं, और कैरेक्टर टू में ले लेता हूं एक सेठ। देखिए यहां पर सारा कुछ लिखा गया है। देखिए इंडियन वाइफ करेंगे तो वाइफ आ जाएंगे, मतलब दो करके हैं, सासू मां करेंगे तो वो आ जाएंगी। यहां पर जाओगे लेडी करोगे तो कोई लड़की आ जाएगी। यहां पर दो दो कैरेक्टर लेडी का भी है, लिटिल गर्ल करोगे तो लिटिल गर्ल आ जाएगी, लिटिल बॉय करोगे लिटिल बॉय, यहां पर मैन करोगे तो मैन भी आ जाएगा। यानी जो कैरेक्टर आप लेना चाहते हो, जैसे तांत्रिक करोगे तो तांत्रिक आ जाएगा। देखिए यहां पर मैं दिखा दूं आपको, देखिए तांत्रिक दिख रहा होगा, ठीक है। जो चाहोगे वो कैरेक्टर आ जाएगा। फिर से मैं जाऊंगा यहां से, इसको चेंज कर लूंगा, अभी तांत्रिक है। मतलब जो भी चाहते हो, जैसे देखिए विलेज मैन, चुड़ैल, पुलिस, जो भी आपको चाहिए। जैसे मैं, मुझे सेठ वाला चाहिए तो मैं सेठ वाला कैरेक्टर ओके कर लूंगा। देखिए एक बच्चा एक सेठ दिख रहा है। अब मैं सेठ को क्या करूंगा, उठाकर यहां कर लूंगा, और ये जो बच्चा है यहां, अब भैया बच्चा इसकी तरफ रखना, मतलब देखना चाहिए कि इधर उधर चेहरा घुमाया हुआ, तो इसकी तरफ देखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, यहां मैं जाऊंगा प्लस वाले आइकन पर, आइडियल ये दिख रहा है, इसको आइडियल रहने दीजिए। फ्लिप वाला दिख रहा है आपको एक कोने में, फ्लिप यानी मुड़ने के लिए। इस पर जैसे टिक करूंगा, क्लिक करूंगा इस पर, मैं क्लिक करने के बाद एक मिनट में क्लिक करता हूं, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और ओके किया, देखिए अब ये इसकी तरफ घूम गया, ठीक है। अब मान चलिए सेठ यहां पर खड़ा है, इस बच्चे को यहां पर दौड़ते हुए आना है। तो यहां मैं प्लस वाले आइकन पर करूंगा, आइडियल जो लिखा गया है, आइडियल जो लिखा गया है यहां पर, मैं आइडियल से एक रन वाला दिख रहा है तो रन वाले पर करके ओके कर लूंगा। देखिए बच्चा दौड़ रहा है।
अब यहां पर आप डायरेक्ट जो आपका चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आपको एक रिकॉर्डिंग का अलग से इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर के अंदर ही रिकॉर्ड कर देगा। अब खुद से रिकॉर्ड करोगे तो ये सारे जो आपको लोगो वगैरह बने हुए हैं ये रिकॉर्ड होते हैं, तो ऐसे करके आप कट भी कर सकते हो एडिटिंग करते समय। लेकिन अगर आप इस ऐप से रिकॉर्ड करोगे तो सिर्फ आपको कैरेक्टर और पीछे का बैकग्राउंड ही दिखेगा बस। तो उसके लिए अगर आप यहां पर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड होने लगेगा, यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग से ही, तो यहां से आप रिकॉर्ड कर लोगे। अब देखिए ये चल रहा है तो इसको आगे बढ़ाना है, तो ये मूव वाला करके मैं स्लो स्लो इसको आगे बढ़ाता हुआ इसके पास लेकर आऊंगा। देखिए ये आ चुका है, फिर से मैं प्लस आइकॉन पे जाऊंगा। अब यहां पर क्या करूंगा, भैया चला दौड़ते हुए आ गया है तो क्या करेगा, खड़ा होगा ना, तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां मैं आइडियल एक करके है, आइडियल करके है, आइडियल का मतलब है वो शांति से खड़ा हो जाएगा, तो मैं आइडियल वाला क्लिक कर लूंगा। देखिए आइडियल मेरा कहां पर है, आइडियल मेरा कहां पे है, आइडियल पर मुझे क्लिक कर लेना है, तो मैं यहां पर जाऊंगा आइडियल वाला, ये मेरा दिख रहा है, ओके कर लूंगा। देखिए आकर खड़ा हो गया, आपको इतना रिकॉर्ड कर लेना है, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर लेना है। अब क्या करेगा, इससे बात करेगा सेठ से कि यार तुमने मेरे साथ चीट कर लिया, कुछ कर लिया, जो भी आपको स्टोरी बनानी है वो स्टोरी आपको, इसलिए मैंने बोला वो जो जंगल टून करके चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में आएगी कि आपको कैसे स्टोरी बनाना है। तो वैसे ही टाइप को यहां पर आपको स्टोरी, मान चलिए एक सेठ है, उससे एक बच्चा आता है, उसको कोई ठग लेता है सेठ, तो उसके लिए बात करता है, तो यहां पर प्लस आइकॉन पर जाऊंगा। अब मैं एंग्री वाला करूंगा तो एंग्री होकर यह बच्चा देखिए बात करने लगेगा कि तुमने मुझे ठग लिया है, ये कर लिया वो कर लिया है, ऐसे ऐसे करके मैं रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद काइन मास्टर के अंदर जाकर मैं एडिटिंग करके इसमें वॉइस वगैरह डाल दूंगा तो एक स्टोरी बनकर तैयार हो जाएगी। वो रिकॉर्डिंग आप यहां रिकॉर्ड से भी कर सकते हो, वो रिकॉर्डिंग आप यहां अपना मोबाइल का स्क्रीन ऑन करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऐसे आपको यहां पर रिकॉर्ड करना है। अब जैसे ये गुस्सा हो चुका है, अब मुझे यहां पर टॉक करवाना है, यानी बात करवाना है, तो यहां पर मैं जाऊंगा टॉक अगर मुझे करवाना है तो यहां पर मैं जैसे जाऊंगा यहां पर लिखा गया है टॉक वाला, जैसे मैं जाता हूं, देखिए यहां पर देखिए टॉक लिखा गया है, टॉक करके लिखा गया है, देखिए ये टॉक वन टॉक टू, देखिए टॉक वन करके लिखा गया, देखिए ये बात कर रहा है, देखिए ये बात कर रहा है, मान चलिए उसे गुस्से में अगर इसको मारना वगैरह है तो देखिए ये बीटन करके जैसे मैं ओके करूंगा, देखिए ये जैसे देखिए बीटन का मतलब है कि उसको सेठ ने मार दिया है, और यहां पर अगर मैं करूंगा अटैक में करूंगा ओके, तो देखिए इसको जैसे मारने जा रहा है, देखिए इसके पास अगर मैं करूंगा देखिए मारने के लिए आ रहा है, कॉलर वगैरह पकड़ रहा है, ये सब दिखेगा। इसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है, रिकॉर्ड करने के बाद आपको काइंड मास्टर के अंदर जाकर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वॉइस डालनी है, बस आपकी स्टोरी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहां पर जो आपको दिख रहा है इसका आप बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे मैं यहां गया ये वाला देखिए, यहां पर इंपोर्ट बैकग्राउंड करके लिखा गया, बैकग्राउंड वन है, इसको मैं चाहूं दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड टू करूंगा, ओके करूंगा, देखिए बैकग्राउंड बदल जाएगा, यहां पर मैं बैकग्राउंड टू करूंगा और ओके करूंगा, देखिए बैकग्राउंड बदल गया। यहां पर फिर मैं जाऊंगा, जैसे मैं इस पर गया, यहां पर मैं गया, इसको ओके करता हूं, देखिए एड्स भी आते हैं बीच में तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, अगर ऐड आते हैं तो सिंपली इसको ऐसे कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूं, जैसे देखिए बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, बैकग्राउंड टू है, बैकग्राउंड में फाइव कर दूंगा, ओके कर दूंगा, देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अगर आपको कोई अपने से बैकग्राउंड लगाना है तो यहां पर देखिए इंपोर्ट बैकग्राउंड करके लिखा गया, इस पर जाकर गैलरी से कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करके उसको भी आप लगा सकते हो। तो बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से यहां पर लगा सकते हो, कैरेक्टर अपने हिसाब से ले लेना, जैसे स्टोरी होगा भगाने वाला, दौड़ाने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, बोलने वाला, वो सारा कुछ ऐसे करके रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड करने के बाद आपको काइंड मास्टर में जाकर वो वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है चलिए अब मैं आपको काइंड मास्टर में दिखाता हूं। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है, मैं काइंड मास्टर के अंदर हूं। अब एडिटिंग आपको कैसे करना है, जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको स्टोरी फॉर्म में कैसे बनाना है वो समझ लीजिए। तो उसके लिए आपको सिंपली प्लस वाले आइकॉन पर जाना है, यहां पर 16:9, 9:16, 1:1 तीन आपको दिख रहे हैं, दोनों जो आपको लास्ट में दिख रहे हैं ये शॉर्ट्स के लिए हैं, तो मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना है तो मैं क्या करूंगा 16:9 वाला क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद जो मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया हुआ है उस रिकॉर्डिंग को मुझे लेना है, मैं यहां पर जाऊंगा, यहां मैं स्क्रीनशॉट वाले पर जाऊंगा, जो मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया हुआ है उसको मैं ले लूंगा, जैसे मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है। इसका मैं जो वॉइस है इसको मैं बंद कर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने बंद कर लिया। अब मैंने जो रिकॉर्ड किया है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से किया है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, तो उसके लिए कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करोगे तो इसके लिए आपको यहां पर जाकर इसको थोड़ा सा जूम कर लोगे तो ये सारा जो लोगो वगैरह दिख रहा है ये सब हट जाएगा, देखिए ऐसे जब जूम कर लोगे तो ये लोगो वगैरह हट जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करोगे तो ऐसे करना है, वरना जो ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग होता है उससे जब करोगे तो ये लोगो वगैरह नहीं आएगा, बस करेक्टर रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा, बस वो बेस्ट रहेगा। तो आप रिकॉर्डिंग से कर लेना, क्योंकि अगर मैं उसको वहां पर ऑन करके आपको दिखाता तो मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो बंद हो जाती, इसलिए मैंने वो नहीं ऑन किया। तो वहां पर रिकॉर्डिंग करके जो दिखा गया है मैं आपको दिखा दूं, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए इसको मैं छोटा करूंगा, देखिए लास्ट में रिकॉर्डिंग करके लिखा गया, इस पर क्लिक करोगे तो आपके कैरेक्टर को बैकग्राउंड को रिकॉर्ड करता है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे जूम कर लूंगा क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, देखिए अब लोगो वगैरह नहीं दिख रहा है, बस मेरे यही जो कैरेक्टर है दोनों वही दिख रहे हैं। अब ऐसे इसको करना है,
अब देखिए इसमें सिंपली मुझे आप सर्च मारोगे एनसीएस कार्टून म्यूजिक, जब सर्च मारोगे एनसीएस कार्टून म्यूजिक तो आपको बहुत सारे म्यूजिक एनसीएस रहेंगे, कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आता, उसको डाउनलोड कर लेना और यहां पर लगा देना एनसीएस बैकग्राउंड म्यूजिक, एनसीएस कार्टून बैकग्राउंड म्यूजिक, ये आपको सर्च करना है, ये सर्च करके यहां पर लगा देना और यहां पर सिंपली आपको ये वॉइस वाला जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी वॉइस डाल देनी है। मतलब मान चलिए मुझे वॉइस डालनी है कि सेठ ने मुझको ठग लिया, मैं चलता हूं सेठ के पास और पूछता हूं तुमने ऐसा क्यों किया, ये बच्चा ऐसे बोलते हुए गुस्से में आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए बच्चा ये बोलते हुए ऐसे गुस्से में यहां पर चलता हुआ आ रहा है, अभी ये चल रहा है तो देखिए धीरे धीरे करके ये मूव करते हुए इनके पास आएगा, देखिए मैं दिखाऊं, देखिए 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 यहां पर जाऊंगा, जैसे ये बीच वाला पार्ट आ रहा है जो मैं यहां पर पोजीशन चेंज कर रहा हूं, देखिए ये यहां पर रिकॉर्डिंग में ये वाला भी पार्ट आ गया है, मैं आपको दिखाऊं जैसे ये रिकॉर्डिंग में ये पार्ट आ गया है तो ये वाला पार्ट मुझे हटाना है तो मैं इस पर जाऊंगा, ये कैची वाले पर स्प्लिट एज प्लेहेड करूंगा, जहां तक वो पार्ट है उसको मैं हटा दूंगा, देखिए ये वाला पार्ट कहां तक है, जैसे ये है इसको मैं मुझे हटाना है, देखिए यहां तक ट्रिम टू लेफ्ट कर दूंगा, देखिए अब ये बच्चा यहां पर गुस्से में आता है बोलता हुआ, देखिए धीरे धीरे इनके पास आ रहा है, ऐसे लग रहा है कोई है, तो ये सेठ भी इसके पास जा रहा है माफी मांगते हुए कि यार मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया बुरा, वो समझा रहा है, देखिए यहां पर जो बच्चा है वो थोड़ा गुस्सा हो रहा है, ऐसे ऐसे आपको करके यहां पर दिख रहा है, सिर्फ आपको क्या करना है यहां पर वॉइस, देखिए बच्चा उसको मारना स्टार्ट कर दिया है, यहां पर आपको सिंपली सिर्फ वॉइस डालनी है, वॉइस क्या डालना है, एक बार बच्चे की आवाज में जाकर बोलो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों ठगा, अब ये मतलब सेठ की आवाज में फिर बोलो कि मैंने तुमको नहीं मारा, मैंने तुमको नहीं ठगा, मेरी ये मजबूरी थी इस वजह से मैंने ऐसा किया, ये किया वो किया, स्टोरी टाइप का जो बनाए रहोगे उस हिसाब से यहां पर अपना वीडियो बना लेना और इसके साथ ही वॉइस डाल लेना। अब जैसे मान चलिए आपने बच्चे की आवाज में कुछ यहां पर रिकॉर्ड किया, मान चलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूं, जैसे देखिए ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों ठगा, ठीक है ये मैंने बोल दिया, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूं, अब इसको मैं जाकर अगर चेंज करना है सिंपली बोल लेना, यहां पर जाना वॉइस चेंजर करके लिखा गया है, वॉइस चेंजर में जब जाओगे तो यहां पर आपको वॉइस चेंजर के अंदर देखिए किड करके लिखा गया है, किड, इसको मैं जब सेलेक्ट करूंगा देखो कैसे आता है आवाज मेरा, देखना सुनना अभी कर, सुनना देखिए तुमने मुझे क्यों ठगा, ठीक है ये देखिए देखिए कैसे आवाज मेरा हो चुका है, खुद सुनिए तुमने मुझे क्यों ठगा, ठीक है देखिए मैं नॉर्मल ही बोला लेकिन मैंने यहाँ पर वॉइस चेंजर पर जाकर वॉइस चेंज कर दिया, काइंड मास्टर के अंदर जाओगे जो वॉइस रिकॉर्ड करेगा वहां पर जाकर वॉइस चेंजर लिखा गया, इस पर जाकर आप जो भी आपको चाहिए बच्चे का आवाज वो कर लोगे, वोमेन चाहिए मतलब औरत की आवाज वो कर लोगे और ऐसे ऐसे करके आप जो भी चाहते हो, जैसे मैन करके लिखा गया है तो सेठ की आवाज को मैन में कर लेना तो वो हो जाएगा, इस तरीके से चेंज करोगे तो जिसका भी स्टोरी बनाना है आराम से बना लोगे। आपको अपना वीडियो लगाना है जो रिकॉर्ड करके रखे हो उसको स्टोरी फॉर्म में यहां पर बीच बीच में जहां आपको लगे कि यहां गड़बड़ है उसको कट करके हटा देना और इसके साथ वहां पर वॉइस डाल देना है, जिस हिसाब से आपने स्टोरी पहले से बना रखी है वो वॉइस डाल देना है। स्टोरी कैसे बनाना है वो जो मैंने आपको चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया है जंगल टून, उस पर जाकर जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उस पर स्टोरी बनाई जाती है, या फिर अपने खुद से गूगल से स्टोरी वगैरह ले लेना, उस स्टोरी से आप यहां पर अपना कार्टून वीडियो बना लेना, बनाने के बाद वॉइस डाल देना, आपका अपने मोबाइल फोन से ही कार्टून वीडियो 10 से 15 मिनट अंदर मैक्स टू मैक्स स्टार्टिंग में आधे घंटे के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। बनाने के बाद सिंपली इसको सिर्फ अपलोड कर देना और व्यूज की बरसात होने लगेगी। सबसे मेन बात एक बात और अगर रही होगी कि सर मैं ये सब बनाना तो सीख लिया लेकिन चैनल कैटेगरी क्या रखूंगा जिससे मुझे तुरंत व्यूज मिले, तो चैनल कैटेगरी और उसके साथ दो और जो सेटिंग्स है वो मैं बताने वाला हूं, दोनों चीज सीख लो, आपके वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए मैंने आपको वीडियो बनाना बता दिया, स्टोरी बनाना बता दिया, ए टू जेड प्रोसेस बता दिया, अब अगर आप इस टाइप का चैनल बनाना चाहते हैं तो कंटेंट बनाने के साथ चैनल कैटेगरी क्या रखेंगे वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चैनल कैटेगरी अगर अलग हो गई आप दूसरा चैनल कैटेगरी डाल दोगे तो वीडियो कुछ बनाओगे जाएगा किसी और के पास, ना व्यूज आएगा ना चैनल ग्रो होगा। तो यहां पर आपको जो भी आप वीडियो बना रहे हैं कार्टून वीडियो है देखकर लोग इंटरटेन होते हैं तो यहां पर आपको चैनल कैटेगरी इंटरटेनमेंट रखनी है और उसके साथ जो वीडियो डालोगे वहां पर यस इट इज मेड फॉर किड सेलेक्ट करना है, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा व्यूज अगर आपको चाहिए, पैसा थोड़ा कम बनेगा लेकिन ज्यादा व्यूज चाहिए तो ज्यादा व्यूज के हिसाब से पैसा भी बहुत बनने लगेगा, मान चलिए आपके 4,000-5,000 व्यूज पर एक डॉलर बनेंगे तब पर भी इतना व्यूज आता है कि डॉलर गिन नहीं पाओगे, इसलिए यस इट इज मेड फॉर किड यहां पर आपको सेलेक्ट करना है जो आप बनाओगे। ये दोनों काम करके आप बनाना, बैकग्राउंड में एनसीएस कार्टून बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देना और इसके बाद आवाज डालना, स्टोरी बनकर आपका तैयार हो जाएगा। और स्टोरी क्या होती है, कैसे स्टोरी बनाना है, किस टाइप का स्टोरी बनाओगे, अगर आपको आइडिया नहीं है तो गूगल पर सर्च करके जाकर कार्टून स्टोरी देख लेना या फिर जो मैंने चैनल का लिंक जंगल टून नाम से है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो मैंने दिया है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके उनका वीडियो रेगुलर देखना, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे स्टोरी बनाया जाता है, तो उस टाइप का जाकर आप स्टोरी अपना बना सकते हो और बनाने के बाद अपने चैनल पर जैसे बताया हूं काम करिए, 100% ग्रो होगा, बहुत तगड़ा आता है, बहुत तगड़ी ग्रोथ है, रातों रात ग्रो होगा,
रातों रात का मतलब है जिस महीने बनाओगे उसी महीने ग्रो हो जाएगा और पैसा आने लगेगा, और पैसा बहुत आता है क्योंकि जो किड्स के कंटेंट है इस टाइम उसमें बहुत ग्रोथ है। देखने वालों की कोई कमी नहीं है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है देखने के लिए, बस आपको बनाने की जरूरत है। वीडियो कैसे बनाना है मैंने पूरा बता दिया है, वो भी मोबाइल फोन का यूज करके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तब पर भी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो यहां पर कमेंट करके आप वीडियो में बताइएगा, जेन्युइन डाउट है तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आया है तो बिना बोले आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे लाइक जो दिया गया उस पर लाइक करना है, जिससे आपका लाइक क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया उसको दबाकर, बगल में घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना है, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।